आपसे सवाल है हमारा कि जो निजामुद्दीन में मरकज में 200 विदेशी नागरिक जो है वो पिछले काफी दिनों से यहाँ रह रहे थे, जबकि सरकार की तरफ से कानून बनाया गया कोरोना वायरस को लेकर के कि ये संक्रमण है जो लोगों से लोगों में फैलता है, ऐसे में कोई लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, और ऐसे में ये लोग इकट्ठे हुए। जब इसके बारे में वहां के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का प्रचार का ये समय है और हम ऐसे समय में धर्म का प्रचार नहीं रोक सकते। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि धर्म का प्रचार बहुत अच्छी चीज है और इस्लाम में मजहब जो है, मजहब इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है। एक कत्ल कर दिया तो मानो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ऐसे में वो लोग जो कर रहे हैं धर्म प्रचार, उसको रोक देना चाहिए और जो देश का कानून है उसका पालन करना चाहिए, जो देश के नागरिक हैं। रहा ये सवाल कि वो लोग कितने दिनों से हजरत निजामुद्दीन औलिया के आसपास रह रहे थे, तो जहां उनको ठहराया गया, मरकज में ठहरे हो, किसी संस्था में ठहरे हो, तो ये उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना संक्रमण होते हुए भी उनको वहां ठहराया। प्रशासन को क्यों सूचित किया? देखिए, सबसे पहले प्रशासन को सूचित करना चाहिए था जी, क्योंकि किसी तरह की बीमारी फैलाना भी एक गुनाह अजीम है और कानून के भी खिलाफ है जी। आप ये जानते हुए कि आपको एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, उसके बावजूद भी आप इतनी भीड़ लगाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझकर इस बीमारी को फैलाना चाहते हैं या कोई साजिश की जा रही है जिस साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है जी। इससे तो ये भी एक समझ में आता है कि क्योंकि वो इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम पर पूरे भारत में जगह जगह गए, और निश्चित है कि वो इस्लाम धर्म के मानने वालों के बीच में ही गए हैं मुस्लिमों के, तो एक तरह से तो वो मुसलमान के ही दुश्मन हो गए क्योंकि उन्हीं के घरों में वो बीमारियां फैला के गए हैं। देखिए, आज मुस्लिम समाज उन लोगों के खिलाफ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, जब भी तो पता चल रहा है कि किस मस्जिद में कितने जमाती ठहरे हैं, किस मस्जिद में कौन सी तबलीग जमात रह रही है, बात टिकी हुई है। ये मुसलमान समाज के लोग ही बता रहे हैं, पुलिस को सूचना दे रहे हैं, कोई उनके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है। पुराना जमाना नहीं रहा है कि जो धर्म गुरु ने कह दिया और वो गलत व्याख्या करते हैं, मजहब इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं वो, ना वो इंसानियत का पैगाम देते हैं, ना वो भाईचारे का पैगाम देते हैं, ना कुरान का सही पैगाम देते हैं। जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया और वो मैसेज हमें रसूल अल्लाह ने पहुंचाया, नबी ने, तो नबी के टाइम में भी एक बीमारी फैल गई थी ताउन नाम की, तो उन्होंने हाथ तक मिलाना लोगों से बंद कर दिया था। जबकि वो गले लगाते थे, हाथ मिलाते थे, महामारी थी वो भी एक तरीके की। तो ये लोग, मैं इनको मजहब इस्लाम के धर्म गुरु नहीं मानती, कट्टरपंथी लोग हैं और कट्टरपंथी जब तक रहेंगे, जब तक मजहब इस्लाम के मुस्लिम समाज के लोग भ्रमित होते रहेंगे। मैं आह्वान करना चाहती हूँ जो सही इस्लामिक स्कॉलर है, जो कुरान पाक की व्याख्या सही तरीके से मुस्लिम समाज में पहुंचा सकते हैं, मैं उन सभी से आह्वान करना चाहती हूँ कि मजहब इस्लाम का सही रोशनी में मैसेज देने के लिए सड़कों पर उतर आए और इन लोगों के खिलाफ वो खुद खड़े होकर इनका विरोध करें। इस घटना से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में भी बदनाम हो रहा है कि एक तरफ तो इराक जैसी कंट्री में मक्का और मदीना और हज, इन सबको बंद कर दिया गया, बड़ी बड़ी चर्च बंद हैं, बड़े बड़े मंदिर बंद हैं, और एक तरफ ये इस तरह की घटना से पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं जा रहा है कि इतने अज्ञान या अनाड़ी हैं कि वो इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं? नहीं, सब जानते हैं, सबको पता चल रहा है। एक तो ये सेंटेंस ये कट्टरपंथी सिखा देते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने ये कहा है कि हरकत में बरकत है, अल्लाह ताला ने ये बताया है, कुरान पाक ने बताया है, हमारे रसूल अल्लाह ने हमें सिखाया है कि अपनी अपनी सेहत को सही रखो जी, अपने को स्वस्थ रखो, एहतियात बरतो। एहतियात तो हमारे मजहब में बताई गई है, लेकिन ये लोग सही मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम समाज का सत्यानाश हो रहा है। और ये लोग जाके ज्यादातर मुस्लिम मोहल्लों में ही ठहर रहे हैं,
जी मस्जिदों में आखिर छुप के रहने की जरूरत क्या है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक बात ये छुप कर क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी यानी जी कि ये मुस्लिम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी कर लो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन मैं भारत सरकार से आपके चैनल से ये मांग करती हूँ और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो और इन लोगों को जो है अकेले में तन्हाई में बिल्कुल जंगलों में छोड़ दिया जाए, चाहे इनके पास ना खाना हो ना पानी हो, क्योंकि अगर जेल में भी डालेंगे तो वहां लोगों को संक्रमित करेंगे ये लोग। जी जी तो इनके लिए तो ऐसा जंगल ढूंढ लिया जाए जी कि जहाँ पे इन सबको छोड़ दिया जाए जंगली जानवरों के बीच, क्योंकि अकल नाम की चीज नहीं है। जंगली जानवरों के पास जिस तरह अकल नहीं होती उसी तरह इन लोगों के पास अकल नहीं है, उनके साथ ही सही रहेंगे। जी जी कुछ लोगों ने ये भी फैलाने की कोशिश की कि हम जो 5 टाइम का नमाजी होगा उसे तो ये कोरोना होगा ही नहीं। मैंने एक मुस्लिम युवक से सवाल किया कि ईरान में कैसे मर रहे हैं, तो उसने कहा वहां तो शिया मर रहे हैं, सुन्नी नहीं मरेंगे, उन्होंने जुल्म किया है इसलिए जुल्म करने वाले मर रहे हैं। 5 टाइम का नमाजी कभी नहीं मरेगा सुन्नी। आप खुद ही सोच लीजिए ना कि ये कट्टरपंथी हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए, आपके सामने है ये बात जी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है जी। आज यही यही यंग जनरेशन, यही युवा वर्ग जो है इनके खिलाफ खड़ा हुआ है जी। हमारे मेरठ में भी आज न्यूज़पेपर में छपा था, जाकिर कॉलोनी एक मोहल्ला है, पूरा क्षेत्र मुस्लिम बिल्कुल मोहल्ले क्षेत्र है जी। वहाँ एक मस्जिद, इनको मस्जिद में ताले लगा दिए एक मस्जिद में, तो इन्हें किसी ठहराया गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चुपके से क्यों ठहर रहे जाके। भाई आप अगर कितने लोग देखिए जो जमाती लाइन में गए हैं, कश्मीर में भी मरा, तेलंगाना में मरा और दिल्ली में भी पॉजिटिव पाए गए, ये लोग यही लोग फैला रहे हैं। मेरठ में इन लोगों ने फैलाई है यहाँ की बीमारी कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि इसके पीछे एक विदेशी साजिश हो सकती है कि ये छुप के रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये किसके विदेशी लोग ये भेजे गए हैं कि चाइना द्वारा या किसी देश द्वारा कि भारत में जाके संक्रमण फैलाओ, लोगों को नुकसान पहुंचाओ, मरने दो। देखिए मैं तो काफी चिंतन कर रही हूँ जी और मुझे यही महसूस हो रहा है कि विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। ये लोग जो है स्लीपिंग मॉड्यूल है जी। पहले तो ये होता था कि आके बम मार दिया जी, जी। काम करने का तरीका बदल दिया। ठीक ठीक बस इतना हुआ है, बाकी ये साजिशें हैं इसमें, चाहे हमारे जो देशद्रोही ताकतें हैं हमारे देश की जी उस पैटर्न है, ये उन लोगों की साजिश है जी। इनके साथ विदेशी हाथ तो है जी। ये तो मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इन्होंने तो ये सोच लिया कि हम तो मरेंगे सनम तुझे भी लेके मरेंगे। हाँ जैसा आपने कहा कि छुपने की जरूरत ही नहीं है धर्म के प्रचार में, तो मुझे जो परिभाषा है वो ये नजर आ रही है कि इन्हें मानव बम बना के भेजा गया है। ये आत्मघाती दस्ते हैं। मैं जमात को बुरा नहीं मानती हूँ, तबलीगी जमात अगर सही मैसेज दे, सही मैसेज पहुँचाए मुस्लिम समाज तक तो बुरी नहीं चीज, लेकिन ये आत्मघाती दस्तों के रूप में आए हैं, मानव बम के रूप में आए हैं, तो वो मैं गलत मानती हूँ। ये अपराध, ये अपने मुस्लिम समाज से आह्वान करना चाहती हूँ कि सूरह अन्निसा में साफ लिखा है कि अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन में जो हुकूमत हो उनकी इताअत करो जी। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ सबको मालूम है, अब इन्होंने ये दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया है। इसी अभी मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ इस माध्यम से, कि जो बेचारे गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं जी, उनको उनसे फोन नंबर मांगे जा रहे हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ताकि उनको राशन घरों तक भिजवाया जा सके जी। तो कुछ तो चौकी में दे रहे हैं, कुछ सभासदों के जरिए दे रहे हैं जी। तो ये लोग घूम रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, आखिर मुस्लिम मोहल्लों में जाके यही मैसेज दे रहे हैं ये कि ये NPR शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा। ना तो फोन देना ना आधार कार्ड देना। मेरे से काफी लोगों ने फोन कर करके पूछा है कि बाजी हम फोन नंबर दे, आधार कार्ड दे। मैंने उन्हें डांटा, समझाया प्यार से कि ये तुम्हें बहकाव में कौन कह रहा है तुमसे, कि यहाँ पे सब जगह ये उड़ा रहे हैं कि ना तो फोन नंबर देना। मैंने कहा तो भूखे मर जाना फिर, अगर फोन नहीं दोगे, आधार कार्ड नहीं दोगे सरकार की तरफ से, या जो लोग गरीब लोगों को जो है राशन बांट रहे हैं या खाने पीने की मुहैया करा रहे हैं, उन चीजों तक तुम्हें नहीं पहुंचवाना चाहते, चाहते भूखे मर जाओ। और जब आदमी भूखा होता है तो उसके अंदर और आक्रोश, इसका मतलब ये लोगों को भड़काना चाह रहे हैं कि भूखे रहेंगे तो फिर कहेंगे मोदी जी कुछ दे नहीं रहे, योगी कुछ दे नहीं रहे। और ये भी कह रहे हैं, ये भी जो बेचारे अनपढ़ गरीब मुसलमान, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जज्बाती होता है, कि ये जो वायरस है ये जानबूझ के फैलाया है और इसमें जो है मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी जी यही कह रहे हैं। पाएगा
हाँ, और सबसे बड़ी बात मस्जिदों में ताले लग गए। आप एक बात बताइए, घरों के अंदर जब पूरी 40-50 लोगों को इकट्ठा करके और जब आप से नमाज पढ़ रहे जी, ऐसा नहीं है कि सभी पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ लोग कट्टरपंथी, और इनकी कट्टरपंथी सोच के जो तैयार हो चुके हैं, हाँ, जो 40 साल 50 साल 60 साल के लोग जी, वही इन बहकावे में आ सकते हैं। यंग जनरेशन, हाँ, नहीं आ रही, यंग नहीं आ रही, यंग कह रही है हमारे आगे पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, अब ये बर्बाद करने पे तुल गए। यही रीजन है कि ये सब बेनकाब हो रहे हैं, ये सफेदपोश कट्टरपंथी लोग बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि उनको उनकी जो सूचनाएं जो दे रहे हैं ना पुलिस प्रशासन को, वो मुस्लिम समाज के ही वो नौजवान बच्चे दे रहे हैं, जिनको नजर आ रहा है कि हाँ हमारा भविष्य अंधकार में कर दिया इन्होंने। जी जी जी, और मुस्लिम समाज का नवयुवक इनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी बातों से, इस तरह की घटनाओं से मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में बदनाम होता है, जागरूक हो चुका है। जी, अब आप देखिए, इतना कट्टरपंथियों के खिलाफ अब से नहीं हूँ, लोग ये मुझे आलोचना करते हैं कि कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलती है, मैं इस्लामिक स्कॉलर्स की, आलिमों की बहुत इज्जत करती हूँ। जी जी, मेरे खानदान में भी बहुत बड़े बड़े लोग आलिम हुए हैं जी मेरी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझती हूँ, मैं 14-15 साल की उम्र से कट्टरपंथियों की हरकतों की वजह से इनके खिलाफ हमेशा मुखर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बोल रही हूँ, जी जी, मुस्लिम इलाकों में जाती हूँ, बात करती हूँ, इनके खिलाफ बोलती हूँ, और मुस्लिम समाज के लोग सुनते हैं कि हाँ ये सही कह रही है। अगर आप लॉजिकली समझाएंगे कि हमारे रसूल ने ये नहीं कहा, हमारे रसूल ने ये रसूल का सही पैगाम नहीं देते हैं मुस्लिम समाज को, ये कुरान विरोधी बातें करते हैं, ये इस्लाम विरोधी, मतलब इस्लाम विरोधी बातें करते हैं। मैं अब फिर जो है आह्वान करना चाहती हूँ उन आलिमों से जो वाकई में कुरान को पढ़ते हैं, जानते हैं, जिसपे अमल करते हैं, मैं आह्वान करना चाहती हूँ जो रसूल के मानने वाले हैं, उनकी सुन्नत के मानने वाले हैं, वो आगे आए। आप ही ने ये हिम्मत दिखाई है ये बोलने की, और लेकिन हम देख रहे हैं कोई मुस्लिम धर्म गुरु, चाहे बरेलवी हो, चाहे वो कहीं के भी हो, शाही इमाम हो, उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया कि ये गलत हुआ है जो निजामुद्दीन में हुआ है, केवल आपने हिम्मत दिखाई है। असल में बिगाड़ खाता करने वाले तो यही लोग हैं ना जी। अब किस मुंह से निकल के, आज मुसलमान ये नहीं पूछेगा कल तो तुमने हमें उत्तर दिशा में जाने को कहा था, आज तुम हमें जो है दक्षिण दिशा में जाने के लिए क्यों कह रहे हो, वो नहीं है ना बताने का। देवबंद का इशारा देख लीजिए, कट्टरपंथों का गढ़ है वो, बिल्कुल पूरा पश्चिम देवबंद में भी पहुंच गए थे ये लोग, पूरी जमात, और वहाँ तो आए दिन आती रहती है विदेशों से जमात, जाती में भेज देते हैं जी। एक तरीका और के ये लोग क्या करते हैं, जो जो नौजवान बच्चे हैं उनके उनके दिमागों में जहर भरते हैं, कल को कल ये ना कह देंगे कि ये जो है कोरोना वायरस फैलाना जिहाद है, मरो और लेके मरो, लेके मरो जी, तो जी, ये जी। इस तरीके की हरकतों से ये सामाजिक सौहार्द जो हमारे देश का है उसे बिगाड़ रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। आज आप घूम लीजिए कहीं भी पूरे देश में, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर बेचारे वैसे ही बर्बाद हुए हैं, अभी जो ये धरनों पे बैठे थे और प्रदर्शन कर रहे थे बिल्कुल बर्बाद हो गए, बर्बाद अब उनको ये और बर्बादी की लाइन पे लेना ले जाना चाहते हैं जी, इनकी जी। बला मुस्लिम समाज के बच्चे मरे, औरतें मरे, कोई भी मरे, ठीक है। मेरा फिर आह्वान है उन आलिमों, उन इस्लामिक स्कॉलर से जो सही इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम में मजहब की परिभाषा को जानते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें निकलना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि अगर अच्छे लोग घरों में बैठे रहेंगे, हाँ जी, तो बुरों का साथ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपकी मांग है कि सरकार इस मामले में गहनता से जांच करे और इन पे आतंकवादी कानून के तहत जो लगते हैं कानून आतंकवादियों पर, उसी देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, देशद्रोह की धारा में, कि हमारा दीन भी इजाजत देता है, हमारा कुरान भी इजाजत देता है जी, कि अपने वतन से प्यार करो, मोहब्बत करो, और जो तुम्हारी साहेबाने हुकूमत हो, यानी कि जो सरकारें हो, उनकी इताअत करो, यानी कि उनका जी, कहना मत। ठीक ठीक, तो आपकी मांग हुई कि एक तो इन पे आतंकवादी कानून के तहत जो है देशद्रोह के मुकदमे हो और इन लोगों सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, आप ये आप देशवासियों को ये संदेश दे रही हैं, युवाओं को और सारे देशवासियों को, कि कोरोना का संक्रमण हिंदू मुस्लिम ईसाई देखकर नहीं आएगा, उसका नुकसान सबको है। देखिए, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है जी, यहाँ बात है जो अपराध कर रहा है, हाँ जी, उसमें कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो,
धर्म की परिभाषा क्या है। मैं एक संदेश और देना चाहती हूँ, धर्म की परिभाषा क्या है। कोई मजहब कोई धर्म किसी से लड़ना नहीं सिखाता, इंसानियत का भाईचारे का पैगाम देता है। और जो धर्म का जो लास्ट स्टेज होती है किसी भी धर्म की हो, वो होती है आध्यात्मिकता, यानी कि अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करना जी। और वो जब मजबूत होती है जब इंसान धर्म और मजहब इन चीजों चीज उनके अंदर बिल्कुल पैदा हो जाती है जी। ये क्रिया है। और फिर जब इंसान की रूहानी ताकत बढ़ जाती है तो वो फिर ईश्वर के नजदीक हो जाता है। ईश्वर के नजदीक होने के लिए लोग बात कितनी तपस्याएं करते हैं, कितने अमल करते हैं, कितने वजीफे करते हैं, लेकिन अगर वो सच्चे मन से इंसानियत का भाईचारे का पैगाम दे तो पूरी इंसानियत जिंदा रहेगी और हर आदमी के अंदर एक रूहानी शक्ति पैदा हो जाएगी। जी जी जी, धर्म का यही है। लेकिन आज आपने बहुत बड़ा खुलासा किया कि ये लोग कहीं आतंकवादी गतिविधियों के तरह से ये मानव बम बन करके हमारे देश में घूम रहे हैं और चोरी छिपे इनको मस्जिदों में और घरों में रुकाया जा रहा है, जो बहुत बड़ी साजिश लगती है और उसकी जांच की मांग आपने सरकार से की है जी। ये लग रही है ठीक है। अभी देवबंद में पिछले दिनों, अब से कोई 8-9 महीने पहले की बात हो गई, एक जिम्मेदार जो है वहां के उन्होंने एक संगठन बनाया था जी। तो जी सलाम के चैनल से मैंने कहा था और सबने ये बात कही, क्योंकि मैं बहुत मुझे मेरी दूरदृष्टि जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है। मैंने ये कहा था चैनल के ऊपर, सबने तो तारीफ करी, चलो अच्छा हुआ दे रहा दुरुस्त है। मैंने वहां भी यही कहा था जी कि ये काम करने का तरीका बदला जा रहा है जी जी। ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए नहीं हो रहा है ये जो बनाया गया संगठन जी जी जी। ये संगठन जो बनाया जा रहा है ये मुस्लिम समाज की वेलफेयर के लिए नहीं बनाया जा रहा है जी जी जी। ये संगठन तरीका बदल रहा है अपना काम करने का और कुछ नहीं। और आज देखिए वो चीज हो रही है जी। ये कहीं ना कहीं एनपीआर के नाम पर और सीएए के नाम पर लोगों को डराया जा रहा था और उसका नुकसान देखिए आज गरीब लोगों को हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घोषणा करी थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम आधार कार्ड और कुछ पेपर लेकर भी हम उनको राशन और बाकी सुविधाएं देंगे। तो उसको भी आप बता रही हैं कि मुसलमान गली मोहल्लों में घूम कर ये लोग बता रहे हैं कट्टरपंथी कि आप कोई फार्म मत भरो और ये सुविधा, जिससे कि उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी। कई लेडीज तो पहले तो मोबाइल नंबर दिया ही और फिर उसको कटवा दिया जाके। तो मैंने उनसे फोन किया, हमने सही करा कि गलत, मैंने कहा बिल्कुल गलत किया तुम लोगों ने। इसलिए गलत किया है कि तुम्हें फिर सुविधा कैसे मिलेगी, ये खाने पीने की राशन जो आ रहा है पुलिस वाले घर तक पहुंचा रहे हैं, घर तक पहुंचा रहे हैं, कैश की सुविधा योगी सरकार दे रही है। मैं देश के जितने भी कोरोना वायरस के योद्धा है, चाहे उसमें डॉक्टर हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे उसके अंदर पुलिस प्रशासन हो, चाहे वैसा प्रशासनिक लोग हो, मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, उन्हें दिल से सलाम करना चाहती हूँ कि ऐसी खतरनाक स्थिति में, इस बीमारी में वो लोग लड़ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने घरों को नहीं जा रहे हैं, और जाते भी हैं तो दूर से अपने बच्चों को देख के आ जाते हैं, उनके पास नहीं जा रहे। जी, जी। तो वो लोग तो देश के सेवा में लगे पड़े हैं सारे, वो कोई धर्म नहीं देख रहे, बिरादरी नहीं देख रहे, पंथ नहीं देख रहे, मजहब नहीं देख रहे, उन्हें सारे मजहब के लोगों का इलाज करना है, सारे चाहे कोई जी जी ठीक है ना, वो नहीं देख रहे। लेकिन ये कुछ कट्टरपंथी देश में और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं जी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में फैल गया, मुस्लिम क्षेत्रों में से शुरुआत हुई है जी, आप देख लीजिए, ये नहीं कह रही 100% मुस्लिम क्षेत्रों से हुई है। हाँ, लेकिन ज्यादातर क्योंकि अज्ञानता के कारण बेचारे उनके ज्यादातर मजदूर तबके हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो काम पे नहीं जा सकते जी। जो सारे सारे ऑफिसेज बंद हैं, सारी ट्रेनें बंद हैं, सारी बसें बंद हैं, और उन्हें बौखला के और घरों में से भगवा रहे हैं जी, कि तुम निकल कर भागो यहाँ से, और खुद जाके मस्जिदों में शरण ले रहे हैं, खुद जाके जो है संस्थाएं जो है वहां की। तो मेरा मतलब ये है कि मुतवल्ली हो मस्जिद का या किसी वक्फ प्रॉपर्टी में ठहरा दिया, दरगाह में ठहरा दिया, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।